कहते हैं गुरु जो संस्कार देता है वे ईश्वर से भी बड़े होते हैं, लेकिन आप ऐसे गुरु को क्या कहेंगे जो छात्र छात्राओं के सामने केवल इस बात पर लड़ बैठते हो जिन्हें बैठने की जगह ना मिली हो। आज तक आपने कई किस्से सुने होंगे जिसमें देखा भी होगा कि कुर्सी के लिए आदमी क्या क्या कर देता है। हाल फिलहाल जो समय चल रहा है वह भी कुर्सी की दौड़ में, यानी कि लोकसभा चुनाव का दौर है। ऐसे में समझ सकते हैं कि कुर्सी की अहमियत आखिर क्या होती है। लेकिन ये सुनकर आपको हैरत होगी कि महज इसलिए एक शिक्षिका अपने विभाग विभागाध्यक्ष पर भड़क गई क्योंकि उन्हें बैठने की जगह नहीं मिली जिस समय वे बच्चों को पढ़ा रही थी। आपको बताते हैं आखिर ये पूरा मामला है क्या। गुना के शासकीय कॉलेज जहां पर अंग्रेजी विभाग की विभाग प्रमुख आबा दहीबाते मैडम पीजी कॉलेज में अपने स्टाफ रूम में बच्चों को पढ़ा रही थी। क्योंकि उस समय परीक्षा चल रही थी इसलिए बच्चों को क्लास में जगह नहीं मिल पा रही थी, जिसके चलते बच्चों का समय व्यर्थ ना जाए इसलिए मैडम ने उनकी क्लास स्टाफ रूम में ही ले ली। लेकिन इतने में ही वहां अतिथि विद्वान कीर्ति सोनी मैडम आ गई जिनको बैठने की जगह नहीं मिल पाई, जिसके चलते वह इतनी जोर से भड़क गई कि उन्होंने आओ देखा ना ताओ वहां बैठे सभी लोगों को धमकी दे डाली और साथ ही कह डाला कि अगर आज के बाद मेरा पर्स यहां से हटाया तो मैं देख लूंगी, मुझसे बुरा कोई ना होगा। हैरानी की बात तो तब है जब वहां पर प्राचार्य के आने के बाद भी वो शांत होती नजर नहीं आई। वहीं इस पूरे मामले को एक बच्चे ने वहां से वीडियो रिकॉर्डिंग कर वायरल कर दिया। वीडियो के वायरल होते ही इस मामले का खुलासा हो सका है। आपको यहाँ यह भी बता दें कि कीर्ति सोनी मैडम ने आबा दहीबाते के अंडर में अपनी पीएचडी कंप्लीट की है। तो मतलब तुम लोग सब लोग वहाँ चलते हैं।